विजयपुर प्रखंड के मुसहरी पंचायत में हम लोग हैं और यूं कहें कि इस समय मुसहरी ग्राम कचहरी में सरपंच पद प्रत्याशी के साथ सर सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए देंगे। कैसे हैं जी? मैं कन्हैया लाल त्रिपाठी रानीपुर से बिलोंग करता हूं, मुसहरी पंचायत का 13 नंबर वार्ड से। चूँकि यहाँ प्रत्याशी के रूप में, सरपंच प्रत्याशी के रूप में महिला सीट है, जिसके कारण महिला का सीट है और मैं पुष्पा देवी का पति यानी कि महिला प्रत्याशी के पति के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। और इस पंचायत के साथ साथ आम जनता को भी मेरा नमस्कार है, नमन बंदन है। इससे पूर्व में आप चुनाव लड़ चुके हैं या पहला चुनाव है? जी, ये मेरा दूसरा चुनाव है। पिछले साल भी हमने इसके लिए अप्लाई किया था, नामांकन कराया था, कोशिश जारी थी, लेकिन हमें कुछ कमी रह गई जिसके कारण लोग हमको पसंद नहीं कर पाए और हम सीट नहीं निकाल पाए। ग्राम कचहरी को अधिकार जो संविधान देता है और ग्राम कचहरी में जिस तरह की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, विगत के कार्यकालों में जो 3 कार्यकाल गुजरे हैं, आपके नज़रिए से अगर पूछा जाए तो आपके ग्राम कचहरी एरिया में न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति है? जी, हमें याद आ रहा है कि पिछले 10 साल में यानी कि 2011 से 16 तक और 2006 से 11 तक 2 बार हम उप सरपंच रहे हैं और उस समय हमारे ग्राम कचहरी में कुछ काम हुआ है जो हमारे चलते हुआ। वैसे हमारे पुराने सरपंच साहब श्री बच्चा राय जी हैं जो कि 45 साल से इस पोस्ट पर हैं और कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, कहीं कोई काम नज़र नहीं आता है। उनके पास यदि ग्राम कचहरी से संबंधित कोई मामला जाता है तो सीधे कहते हैं कि मुखिया जी से मिल लीजिए या फलाना फलाना है गांव में उनसे संपर्क बनाइए। हमारे ग्राम कचहरी में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं देखने को मिला है जिससे कि ग्राम कचहरी या सरपंच के महत्व को समझा जा सके। हमारा ग्राम कचहरी जैसे एकदम शून्य सा रहा है। उस स्थिति से आम आदमी उभरना चाहता है, ऐसा चाहता है, लोगों का भाव है कि हमारे भी ग्राम कचहरी में कुछ काम हो, सरपंच अपने महत्व को समझें और जमीनी स्तर पर जो मैटर थाना में जा रहा है या फिर जिला में जा रहा है, ग्राम कचहरी में जा रहा है, वो न जाए और क्षेत्रीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाए। इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग का होना जरूरी है और हमारी यही कोशिश रहेगी। बाय द वे, यदि चांस हमको मिलता है तो मैं जनता के बीच जा करके उनकी समस्याओं को समझूंगा और क्षेत्रीय स्तर पर जितनी भी समस्याएं हैं उसको स्थानीय तौर पर निपटाने का कोशिश करूंगा। आप अपने मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, हम अपने मतदाताओं से ये अपील करना चाहेंगे कि ये जो अपना व्यवस्था चल रहा है कि 45 साल से एक ही सरपंच बने हुए हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव लाया जाए और ये देखा जाए कि नए बदलाव में अधिक से अधिक जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग स्थानीय स्तर पर करें। ऐसा सिलेक्शन, ऐसा चुनाव हमारे आम क्षेत्रीय जनता के द्वारा किया जाए जिससे कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके और कुछ काम निकल सके, हमको गोपालगंज न जाना पड़े। जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।